हेलो एवरीवन तो आज तैयारी करते हैं बहुत ही बढ़िया लंच की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता वैसे भी हर सब्ज़ी में डालना चाहिए इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है साथ ही मैंने तोड़ लिया है न्याजपो जिसे स्वीट बेस भी बोलते हैं तो चलिए फिर चलते हैं क्या करेंगे सबसे पहले लेंगे ऑयल ऑयल को मैंने अच्छे ढंग से गर्म कर लिया है और इसमें एक गिलास डाल दिया है पानी बस जी अब क्या करना है ये थोड़ी मैं सेटिंग कर रही हूँ अपने मोबाइल से ताकि आपको जो वीडियो है क्लियर मिल सके हम जो होम मेकर्स हैं ना तो हमारी ये प्रॉब्लम होती है कि हमें अच्छे ढंग से फोकस करना होता है अपनी रेसिपी पर और कैमरे में भी जो अच्छे ढंग से आपको दिखाई दे मतलब उसकी वीडियो अच्छे ढंग से बन सके तो ये स्ट्रगल हम हमारे साथ जो है चलती रहती है तो चलो जी पानी गर्म हो गया है इसमें डाल देते हैं चावल बस चावल डाल के आपको पता है कौन सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी ये है जी लेमन राइस बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने भी बहुत ही आसान है बस जैसे पानी में उबाल आएगा तो हमने क्या करना है चावलों को देना है ढक और लो कर देनी है इसकी फ्लेम बस चावल जितने देर तक बनते हैं आपने कुछ और प्रेपरेशन करनी है इस दौरान तो आप कर सकते हो तो मैं तो शॉर्ट में दिखा रही हूँ इसलिए मेरा टाइम इतना ज़्यादा लगेगा नहीं बस जी ये चावलों को मैंने एक बार फिर हिला दिया है अभी इसमें थोड़ा पानी है तो इसको ढक के रखना है क्या करना है जब भी आप चावल बनाओगे ना तो कोशिश करना चावल खड़े खड़े हों चाहे आप कुकर में भी बना रहे हो चावल घुलने नहीं चाहिए ज़्यादा बनना ये रेसिपी का मज़ा नहीं आएगा ये देखिए चावल परफेक्टली बन चुके हैं इसे हम अच्छे ढंग से ठंडा हो देते हैं और अब तैयारी करते हैं हम तड़के की तड़के के लिए मैंने ऑयल लिया है आप देसी घी भी यूज कर सकते हो इसमें मैंने डाल लिए है थोड़ी सी राई साथ ही उड़द दाल और चना दाल एक एक चम्मच इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे तब तक रोस्ट करना है जब तक ये ना ना थोड़ी मतलब ब्राउन सी ना हो जाए बस जी इनको जब देखोगे कि आप ये ब्राउन हो गई देखिए कलर इनका चेंज हो रहा है ना तो हमने इसको अच्छे ढंग से ब्राउन करना है वो भी लो फ्लेम पे हाई मत करना फ्लेम बस इसमें डालेंगे थोड़ी से कड़ी पत्ता धो के बस साथ ही डाल रही हूँ मैं जो लंबी और बारीक अदरक इसको डालने के बाद एक दो मिनट इसे सॉटे करेंगे और अब क्या करना है हमने इस दौरान आप फ्लेम को लो ही रखिएगा बस जब ये सॉटे हो जाएंगे अच्छे ढंग से फिर इसमें डाल देंगे हम साथ ही नमक और हल्दी क्योंकि नमक पहले नहीं डालना चावलों में तो मैं यहाँ पे नमक और हल्दी डाल रही हूँ जैसे ही नमक हल्दी डालनी है ना तो साथ में आपने पानी डाल देना है ताकि मसाले जो हैं जल ना जाए वैसे इसमें आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो वो ऑप्शनल है बस इसे पानी डाल के थोड़ी देर दो से तीन मिनट पकने देंगे दाल जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए वैसे दाल का जो क्रिस्प सा टेस्ट है इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है दूसरी तरफ रखते हैं हम पैन उसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और जो पीनट्स है ना उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं ये देखिए आप पीनट्स का छिलका उतार के भी यूज कर सकते हो या ऐसे भी यूज कर सकते हो बस इसको थोड़ा सा रोस्ट होने देना है पीनट्स की जगह आप काजू भी यूज कर सकते हो आपकी जैसे चॉइस है आप जैसा यूज करना चाहते हो उसे यूज कर सकते हो बस जैसे ही पीनट्स रोस्ट हो जाएंगे ना तो इनको हम अलग निकाल के रख लेंगे ये देखिए पानी अब पूरी तरह से सूख गया है इसमें अब इसमें डालेंगे बिल्कुल ठंडे किए हुए चावल इस बात का ध्यान रखना चावल बिल्कुल ठंडे होने चाहिए बस चावलों को डाल के हमने थोड़ा सा ऊपर डाल देना है एक नींबू का रस और साथ ही इसको अच्छे ढंग से हमने हिला देना है ताकि जो इसका मसाला है इसमें बड़े बढ़िया ढंग से मिक्स हो जाए ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये चावल खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं आप एक बार अपनी फैमिली को खिलाएंगे ना तो बार बार वो डिमांड करेंगे ये राइस बनाने की एक्चुअली हर किसी का अपना ढंग होता है ये लेमन राइस बनाने का तो मैं तो इस ढंग से बनाती हूँ तो मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है बजे साथ ही मैंने रखी थी घिया दाल जो बन के तैयार हो चुकी है आज जो मज़ा आने वाला है ना लंच का बहुत बढ़िया मज़ा आएगा क्योंकि मैंने जो रायता बनाया ना न्याजबो वाला बहुत ही टेस्टी बना है इसकी रेसिपी मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में डाली है बस चावलों को निकाल लेंगे किसी बर्तन में और ऊपर से डाल देंगे पीनट्स जो हमने रोस्ट किए थे बहुत बढ़िया चावल तैयार हो गए हैं चलो अब लगाते हैं थाली थाली में मैंने सब कुछ लगा लिया है चावल डाल दिए हैं प्याज रख दिया है दाल है और रायता है ऐसी और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मैं आपके लिए ऐसे हमेशा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते रहूँ और साथ ही कमेंट भी करना और लाइक भी करना ताकि मुझे आपसे और इंस्पिरेशन मिल सके